हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इट्स पोएट्स नेम इज अनोनिमस एंड पोएम्स नेम इज ग्रैंड माच हग्स आर मेड ऑफ लव। दादी माँ का आलिंगन प्रेम और स्नेह के लिए बने होते हैं। Everything my grandma does is something special made with love. वो सारे कार्य जो दादी माँ करती है वह विशेष रूप से स्नेह से बंधे होते हैं। She takes time to add the extra touch that says, I love you very much. वह हम सबों को अपने बहुत करीब बुला लेती है, जो यह बतलाता है कि वह हम लोगों से अत्यधिक प्रेम करती है। सी फिक्सेज हार्ट्स विथ ए किस एंड ए स्माइल। वह हमारी सारी तकलीफों को एक मोहक मुस्कान और चुम्बन से दूर कर देती है। एंड टेल्स गुड स्टोरीज ग्रैंड मा स्टाइल। इट्स वार्म एंड कोजी ऑन हर लैप फॉर हेयर कॉम्बिंग और ए नैप। जब वह अपने मूल स्टाइल में कहानी बता रही होती है और झपकी लेती रहती है, एंड टेल्स गुड स्टोरीज ग्रैंड मा स्टाइल, इट्स वार्म एंड कोजी ऑन हर लैप फॉर हेयर कॉम्बिंग और ए नैप। जब वह अपने मूल स्टाइल में कहानी बता रही होती है और झपकी लेती रहती है, किंतु उसके गोद में बैठकर कंघी करवाना काफ़ी आत्मीय और स्नेहपूर्ण लगता है। एंड व्हेन आई से माई प्रेयर्स एट नाइट आई आस्क गॉड टू ब्लेस एंड होल्ड हर टाइट। और जब हम लोग रात में ईश्वर का प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर से मेरा आग्रह होता है कि ईश्वर मेरी दादी माँ को आशीर्वाद दें और उसे दीर्घायु बनावें। काउज व्हेन इट कम्स टू गिविंग हग्स माय ग्रैंड माज आर्म्स आर फिल्ड विथ लव। क्योंकि जब आलिंगन का वक्त आता है तो दादी माँ के बाहों में हमें सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि जब हम लोग रात में ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ईश्वर से बोलते हैं कि मेरी दादी माँ को दीर्घायु बनावें, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्नेह आशीर्वाद और प्रेम पा सकें। दैट्स ऑल क्लास ऑफ स्टैंडर्ड 4। दिस चैप्टर फिनिश्ड।